सुपरस्टार और गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भोजपुरी फिल्मों में काम करने के बाद अब अपना रुख सियासत के तरफ मोड़ लिया है। राजनीति में प्रवेश करने वाले भोजपुरी गायक निरहुआ ने अपनी पॉलिटिकल पारी की शुरुआत के साथ जनता से संवाद बनाए रखने के लिए अब सोशल मीडिया का रास्ता अपनाया है। जी हाँ, निरहुआ ने अब अपने ट्विटर अकाउंट की शुरुआत कर ली है। ट्विटर पर पहली बार आने पर निरहुआ ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी। ट्वीट में उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के बाद ट्विटर पर होना जरूरी था, तो इसीलिए आज से मैं भी ट्विटर पर आ गया हूँ। आपको बता दें कि पहले ही निरहुआ ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और तब से ही उनके राजनीतिक मैदान में उतरने को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। इसी बीच उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट की शुरुआत की। ट्विटर पर आने के बाद दिनेश ने मैं भी चौकीदार हैशटैग के साथ बीजेपी के समर्थन में कुछ पोस्ट भी डाले हैं। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव ने हाल ही में सीएम योगी से मुलाकात के बाद बीजेपी की सदस्यता लेने का ऐलान किया था। जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी ने भी इसी तरह से ट्विटर के जरिए अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। अब निरहुआ भी पीएम मोदी की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि निरहुआ का ये राजनीतिक सफर उनके लिए कितना सही साबित होता है और भाजपा को इससे कितना फायदा होता है। SPN 9 न्यूज से नेहा की रिपोर्ट।